हेलो दोस्तों, एशिया कप 2023 की शुरुआत 30 अगस्त को होना है और यह फॉर्मेट 17 सितंबर तक खेला जाएगा और एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान के बीच 2 सितंबर को खेला जाएगा, जिसके लिए भारत के मौजूदा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 बताई है कि पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में भारतीय टीम को कौन से प्लेयरों को मौका देना चाहिए। बताते हैं पूरी प्लेइंग 11 जो महेंद्र सिंह धोनी ने बताई है। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, अगर हमें एशिया कप 2023 जीतना है तो एशिया कप की सबसे दमदार टीम पाकिस्तान को हराना होगा। हालांकि उसके अलावा भी 4 टीमें हैं जिसको हमें हराना होगा, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा प्रतिबंध पाकिस्तान की टीम होने वाली है, जिसे हराना थोड़ा कठिन हो सकता है, जिसके लिए हमें एक स्ट्रांग लाइनअप के साथ मैदान पर उतरना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। नंबर 1 रोहित शर्मा, नंबर 2 शुभमन गिल, नंबर 3 विराट कोहली, नंबर 4 श्रेयस अय्यर, नंबर 5 KL राहुल, नंबर 6 हार्दिक पंड्या, नंबर 7 रविंद्र जडेजा, नंबर 8 कुलदीप यादव, नंबर 9 मोहम्मद शमी, नंबर 10 जसप्रीत बुमराह और नंबर 11 मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल करना चाहिए। और महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, हमारे पास एक और अच्छा विकल्प मौजूद है जो कि KL राहुल की जगह ईशान किशन को टीम में शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको महेंद्र सिंह धोनी द्वारा बताई गई प्लेइंग 11 कैसी लगी और क्या कप्तान रोहित शर्मा को धोनी के सेम प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।